हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17.4 के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप सभी ने अभी तक इस नए लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर अपडेट कर लें, क्योंकि इसमें एप्पल ने बहुत से नए नए फीचर्स इंक्लूड करे हैं और अपडेट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो पुश करे गए हैं आपके डिवाइसेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा आपके सेटिंग्स में। सेटिंग्स को ओपन करो और यहाँ पर अपने फेस आईडी एंड पासकोड में अपने पासकोड को एंटर करो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। पहले आपको ओनली ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता था, अब जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे दो ऑप्शंस एडिशनली एप्पल ने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं इस अपडेट में। पहला ऑप्शन है अवे फ्रॉम फैमिलियर लोकेशंस और दूसरा है ऑलवेज। अगर आपको घर में किसी एक ऐसे पर्सन से खतरा है जो आपके पासकोड्स वगैरह को चेंज कर सकता है घर में ही, तो आप यहाँ से ऑलवेज के ऊपर सेट कर सकते हो, और वरना आप इसे फैमिली लोकेशंस को भी सेट कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी फैमिली लोकेशन से दूर जाओगे आपका जो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। सेकेंड नंबर के ऊपर आपके लिए कुछ नए विजिट्स, यहाँ पर नए इमोजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला है शेक हेड इमोजी, सेकंड वाला है मशरूम, और थर्ड वाला है ब्रोकन चेन। उसके बाद बर्ड टाइप करोगे तो आपको ये रेड कलर का बर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, और साथ में कुछ कॉन्टेक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर इमोजेस ऐड करे गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है जो यूरोप में यूज़ करें आईफोन्स, उनके लिए साइड लोडिंग एप्पल ने अलाउ कर दी है 17.4 के अपडेट में, जिसका मतलब है कि वो किसी भी ब्राउज़र से आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे ऑफिशियली अपने आईफोन्स के ऊपर। बस ये जो फीचर ओनली आपको यूरोप में देखने को मिलने वाला है। फोर्थ नंबर के ऊपर आपका जो आई मैसेज का एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो पुश करे गए हैं 17.4 के अपडेट में, और भी ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करा गया है आई मैसेज की। तो फिफ्थ नंबर के ऊपर जब आप यहाँ पर कोई भी पॉडकास्ट प्ले करोगे अपने पॉडकास्ट की एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाएगा ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सारा लिरिक्स जो देखने को मिल रहा है, जो भी आपका यू सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको फाइंड करने के लिए जो भी लेटर आपने फाइंड करना है, पैराग्राफ, उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो ये एक नया चेंज आपको आपकी पॉडकास्ट की एप्लीकेशन में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक नया विजिट एप्पल ने रोल आउट करा है। तो जैसे कि ये एक विजिट मैंने ऐड करा है क्लॉक का, इस क्लॉक का विजिट का खासियत ये है कि इसका जो कलर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप किसी और सिटी को सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने कनाडा को सेलेक्ट कर लिया है, कनाडा में अभी रात हो रही है, तो रात होने के कारण ये जो विजिट है ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर किसी और कंट्री या सिटी को ऐड कर देता हूँ तो उसका जो टाइम होगा, अगर वो दिन का टाइम होगा तो उसके साथ आपका जो विजिट है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर यूएई की एक सिटी अबू धाबी का जो विजिट है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टाइम जोन। उसके बाद अब आप देख सकते हो ये विजिट पहले ब्लैक था, अब ये वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से ये जो विजिट है आपकी क्लॉक का ऑटोमेटिकली कलर्स को चेंज कर देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया इस अपडेट की खासियत है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो म्यूज़िक एप्लीकेशन है उसमें होम का एक नया आइकॉन ऐड कर दिया है। पहले आपको यहाँ पर लिसन का ऑप्शन देखने को मिलता था, अब यहाँ पर एप्पल ने होम का जो बटन है यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इस लेटेस्ट अपडेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में सीरी एंड सर्च पे जाना है, यहाँ पर आपको मैसेजिंग विद सीरी के ऊपर टैप करना है। अब आप अपनी सीरी से किसी भी लैंग्वेज में मैसेज को रीड करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको जर्मनी लैंग्वेज में अपनी सीरी से मैसेज को रीड करवाना है तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो अपने डिवाइसेस में। तो ये कुछ नए फीचर्स आपको 17.4 के अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं अगर आप इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।